करें तो 99.5% पेमेंट अभी सेबी के पास ही पड़ा हुआ है जो कि रिफंड नहीं हुआ है। तो सबसे ज़्यादा लॉस तो हमारे इन्वेस्टर का हो रहा है, उसका मतलब ऑलरेडी पैसा भी नहीं मिल पा रहा है, उसका समय भी इतना ज़्यादा जा रहा है। अगर किसी ने अपने किसी गोल के हिसाब से अपने पेमेंट को वहाँ पे डिपॉजिट किया था उनकी कंपनियों में। सहारा इंडिया प्रमुख को गिरफ्तार करने लखनऊ पहुंची एमपी पुलिस, जानिए क्या है मामला। सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी करने के लिए आज दतिया पुलिस लखनऊ पहुंची। हालांकि घर में मौजूद नहीं होने के कारण सुब्रत रॉय पुलिस को नहीं मिले। पुलिस ने सहारा ग्रुप के डायरेक्टर सुब्रत रॉय सहित 8 लोगों के खिलाफ NBW वारंट जारी किया है। सहारा ग्रुप के डायरेक्टर सुब्रत रॉय के खिलाफ मध्य प्रदेश में दातिया जिले के कोतवाली थाने में धोखाधड़ी के 14 मुकदमे दर्ज हैं। दातिया से मध्य प्रदेश पुलिस 8 लोगों की गिरफ्तारी करने यूपी के लखनऊ पहुंची थी। एमपी पुलिस स्थानीय पुलिस का सहयोग लेकर सुब्रत रॉय के सहारा शहर स्थित आवास पहुंची थी। दतिया कोतवाली इलाके में सुब्रत रॉय पर करोड़ों का फ्रॉड करने का आरोप है। मध्य प्रदेश की पुलिस गोमती नगर पुलिस का सहयोग लेकर सुब्रत रॉय को गिरफ्तार करने उनके आवास पहुंची। बता दें कि मामले में पुलिस सुब्रत रॉय, अनिल कुमार पांडे, डीके श्रीवास्तव, रीमी दत्ता, करुणेश अवस्थी, राणा जिला और अब्दुल दबीर को गिरफ्तार करने के लिए लखनऊ पहुंची। मध्य प्रदेश के दतिया से कई किलोमीटर का सफर तय करने एमपी पुलिस सहारा शहर पहुंची तो वहां पर उन्हें सफलता नहीं मिली। दरअसल अपने घर पर पुलिस को सुब्रत रॉय नहीं मिले। एमपी पुलिस ने उनके घर के बाहर नोटिस चिपका दिया है। सहारा के डायरेक्टर को 5 मई तक दतिया पुलिस के सामने हाजिर होने को कहा गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के मुताबिक सुब्रत रॉय के खिलाफ चिट फंड सोसाइटी बनाकर पैसा हड़पने के 14 मामले दर्ज हैं। सहारा कंपनी ने लोगों का पैसा जमा कर उनकी मैच्योरिटी दी नहीं। पुलिस का कहना है कि सुब्रत रॉय मिलेंगे तो उनकी गिरफ्तारी होगी। बताते चले कि सहारा इंडिया परिवार का होटल, शिक्षा, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट और मीडिया जैसे क्षेत्रों में इन्वॉल्व है। कारोबार में नुकसान होने की वजह से सुब्रत रॉय ने कुछ टाइम पहले सहारा एयरलाइंस को बेच दिया था, तो वहीं 2012 में सिक्योरिटीज एंड रिसर्च बोर्ड ऑफ इंडिया ने सुब्रत रॉय को बाजार नियमों का उल्लंघन कर गैर कानूनी ढंग से चिट फंड के जरिए लोगों से पैसा लेने के मामले में दोषी ठहराया था, जिसको लेकर उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी थी।